दोस्तों सबसे पहले ये बताइए नीचे कमेंट में कि आपको पंच होल कैमरा पसंद है या फिर नोच वाला कैमरा पसंद है या फिर पॉपअप कैमरा पसंद है या फिर स्लाइड कैमरा पसंद है या फिर कहें कि फ्लिप कैमरा पसंद है या फिर फ्लिप डिजाइन जो डिस्प्ले है वो निकल के आता है वो पसंद है या फिर हाल ही में या फिर कहें कि फ्यूचर में आने वाला यहाँ पर अंडर डिस्प्ले कैमरा पसंद है, कौन सा कैमरा पसंद है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर पूरी तरह से एक वीडियो बनाकर आपको देने वाला हूँ। और इसके साथ हम बात करेंगे इसके ऊपर रखने वाले जो प्राइस है कंपनीज की वो इनके मुताबिक है या नहीं या फिर कौन सा यहाँ पर सस्ता और बेस्ट है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और बात कर रहे हैं यहाँ पर काफी सारी ढेर सारी कमाल कमाल की गर्मागर्म न्यूज अपडेट के बारे में। इस वीडियो के अंदर आज फिर से आप हो जाएंगे अपडेट लेटेस्ट टेक न्यूज के साथ। तो चलिए वीडियो को आरम्भ करते हैं। सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों यहाँ पर अमेजोन की तरफ से है, पुलिस की हेल्प कर रही है बनाने में सर्विलेंस सिस्टम, जो रिंग डोरबेल्स हैं वो बना रहा है अमेजोन पुलिस के लिए। तो ये जो है अपने घर के सामने अगर आप लगा लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका घर जो है सिक्योर यहाँ पर हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि इस डोरबेल के अंदर एक हिडन कैमरा भी छुपा हुआ है। तो इसके सहारे जो है पुलिस काफ़ी सारे अपराधियों को यहाँ पर कैच कर सकती है। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है ऊबर कॉप्टर की तरफ से $200 की ये राइड यहाँ पर हो सकती है, आप उड़ सकते हैं $200 देकर। सबसे पहले जो इसे न्यूयॉर्क के अंदर July 9th को लॉन्च किया जा रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं NYC के तहत लॉन्च हो जाएगा पहली बार न्यूयॉर्क के अंदर, तो वहाँ के लोग जो है इसका काफ़ी आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अंदर लगभग 2 आदमी आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। अभी जो है स्टार्टिंग महज हो गई और ये लॉन्च भी हो रहा है नॉर्मल पब्लिक यूज के लिए, तो काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है, तो फ्यूचर में हमारे पास भी आ ही जाएगा। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है यूट्यूब की तरफ से, यहाँ पर ट्राई कर रहा है यूट्यूब एक्सप्लेन करने की जो उसकी पॉलिसीज हैं यूट्यूब की उनको फिर से यहाँ पर दोहरा रहा है और बता रहा है अपने यूट्यूबर्स को कि जो हरासमेंट वाले वीडियोज़ हैं वो अब नहीं चलने वाले हैं क्योंकि इनका जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी यहाँ पर अपडेट हो चुका है गूगल का। इसके चलते अब ऐसे वीडियोज़ अगर आप बनाते हैं जिनके अंदर या फिर कहें कि उन वीडियोज़ के साथ किसी को यहाँ पर गलत महसूस हो सकता है, इस प्रकार के वीडियोज़ को तुरंत जो है डिलीट कर दिया जाएगा। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो फ्यूचर में बनाने वाले जो वीडियो है फिर आने वाले वीडियोस हैं आपके उनके अंदर काफ़ी यहाँ पर ध्यान रखें, जैसे कि स्मोकिंग है या फिर कुछ इंजीनियर्स टाइप के यहाँ पर कुछ भी आप दिखाते हैं या फिर कहें कि वेपन्स वगैरह दिखाते हैं वो सब नहीं चलने वाले फ्यूचर के अंदर। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है अमेरिकन कंज्यूम की तरफ से, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात निकल के आई है। समुद्र के अंदर काफ़ी सारा यहाँ पर प्लास्टिक डाल दिया जाता है, अभी जो है इतना सारा अमाउंट हो गया प्लास्टिक का जो माइक्रो प्लास्टिक बन चुका है और वहाँ पर जो जीवन है उसको ख़राब कर रहा है, साथ ही जो होल्स हैं मिट्टी के साथ जुड़े हुए समुद्र के उनको यहाँ पर बंद कर रहा है, जिससे जो हम तक पहुँचने वाला वाटर है पानी है वो यहाँ पर फ्यूचर में शायद ना पहुँच पाए समुंदर से। और इसी के साथ जो है यहाँ पर वार्निंग देते हुए कहा है कि अभी भी जो है सुधर जाओ। मैं भी आपसे यहाँ पर कहता हूँ कि अगर आप कचरा वगैरह फेंकते हैं तो इधर उधर फेंकने की बजाय डस्टबिन में डालिए फिर उसको जला दीजिए, इस प्रकार से अगर करेंगे तो फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट होने वाला है हम सबका। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है अमेजोन की तरफ से, फिर से यहाँ पर एक डिलीवरी ड्रोन बनाया है अमेजोन ने। शायद फ्यूचर में जो है आप और हम यहाँ पर किसी डिलीवरी बॉय को ना देखें और यहाँ पर जो एक ड्रोन आएगा जो कि आपका पार्सल लेकर आएगा आपके घर तक और एप्लीकेशन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि भाई साहब ड्रोन आ गया पार्सल ले लीजिए और सारा का सारा काम जो ऑनलाइन यहाँ पर होने वाला है। तो ये वाला ड्रोन जो है नेक्स्ट मंथ से यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा कुछ इंटरनेशनल सिटीज़ के अंदर जो कि बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे कि न्यूयॉर्क, फिलहाल वहीं पर जो है इसकी टेस्टिंग वगैरह करेगा हाल ही में, तो देखते हैं और क्या कर पाता है। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों कह रही है नोकिया 2.2 की तरफ से, ये भी जो है जल्दी सरफेस से हो रहा है आ रहा निकल कर, इसके अंदर जो है यहाँ पर नोच वाली डिस्प्ले दे दी गई है और मतलब एक बजट स्मार्टफोन है। एंड्रॉयड 9 Pie का जो एंड्रॉयड गो वर्जन है वो इसके अंदर होगा, शायद 2-3 GB की इसमें रैम मिल जाएगी, 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, कुल मिलाकर मीडिया टेक का शायद एक CPU हो सकता है स्नैपड्रैगन भी हो, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है लेकिन सिर्फ सरफेस हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है चाइना के 5G को लेकर, वहाँ की गवर्नमेंट जो है कल चाइना को यहाँ पर 5G यूज़ करने का लाइसेंस प्रदान कर रहा है, तो कल से जो है चाइना के अंदर भी शायद 5G नेटवर्क जो है शुरू हो जाए वर्ल्ड के साथ साथ। और यहाँ पर जो है इन्होंने लाइसेंस के तौर पर सिर्फ 3500 MHz का ही बैंड यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा है, लेकिन चाइना ने जो है 2600 MHz से यहाँ पर 4900 MHz तक के बैंड जो है टेस्ट कर डाले हैं। अगर 4900 MHz का बैंड
जो है यहाँ पर यूज कर लिया जाए तो काफी सारा रेडिएशन पैदा होगा, जिससे जो है काफी सारा यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। तो इसके चलते जो है गवर्नमेंट ने काफी यहाँ पर स्ट्रिक्ट चेतावनी दी है कि आप 3500 mAh से ऊपर यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं 5G को। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है NSA की तरफ से। NSA ने जो है माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स को या फिर कहें कि आप अगर विंडोज यूज करते हैं जैसे कि मैं भी करता हूं, तो हम सबको यहां पर वॉर्न किया है आने वाले साइबर अटैक रिस्क के बारे में। तो यहां पर बताया गया है कि आपका विंडो अगर अपडेट नहीं है तो उसे अप टू डेट कर लीजिए और लगातार इसे अपडेट ही रखिए। अगर जो भी अपडेट निकल जाती है उन्हें अपडेट यहां पर करते रहिए, क्योंकि जो नया साइबर अटैक आ रहा है अभी तक इसका कोई अनुमान नहीं लगाया किस प्रकार से जो है ये वायरस यहां पर हो सकता है, रैंसमवेयर या फिर कोई अदर वायरस जो है मालवेयर यहां पर निकल के आ सकता है। विंडोज़ के अंदर पूरा का पूरा विंडोज जो है क्रैश कर सकता है, आपके डेटा वगैरह जो है इधर उधर हो सकते हैं या फिर पूरा का पूरा डेटा बेस ही यहां पर गायब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों के लिए आ रही 3D प्रिंटेड हाउस की तरफ से। ये भी जो है काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल मार्केट में आई हुई। यहाँ पर जो है ऑफ ग्रिड वाले मतलब चलते फिरते यहाँ पर घर बनने लगे हैं जो कि 3D प्रिंटेड हैं। इनके नीचे टायर्स तो नहीं लगे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं वैसे, तो इसके अंदर 2-3 आदमी आराम से रह सकते हैं। इन्हें आप चाहें तो दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, इनमें ज़्यादा यहाँ पर वेट नहीं है। तो 300 के आसपास से मतलब 300 kg के आसपास वेट है इनके अंदर, तो इससे जो है यहाँ पर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट डेट दोस्तों निकल के आ रही है अलेक्सा की तरफ से। अलेक्सा के अंदर जो है रेस्टोरेंट रिजर्वेशन सिस्टम जल्दी निकल के आने वाला। यहाँ पर आप फ्यूचर में बोल पाएंगे अलेक्सा मेरे लिए भी जो है कि किसी रेस्टोरेंट में कोई टेबल बुक कर दो, तो वो आपके लिए जो है टेबल यहाँ पर बुक कर देगी। जैसे कि गूगल का निकल के आया था अभी हाल ही में, गूगल असिस्टेंट के अंदर आप करते हैं यहाँ पर, उसी प्रकार से ये भी होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो की बात करें दोस्तों निकल के सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 के एक और रेंडर को लेकर। यहाँ पर जो है सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी S11 की जो डिज़ाइन थी उसे छुपा लिया और पुराने वाला डिज़ाइन जो है रीडिज़ाइन करके यहाँ पर नोट 10 के अंदर चिपका दिया। दोनों तरफ EDG डिस्प्ले मिलने वाली है, मतलब गोल गोल किनारों के साथ यहाँ पर ऊपर नीचे से चौकोर, साथ ही सेंटर में जो है पंचोल में आपको कैमरा मिल जाएगा। कुल मिलाकर बताऊं तो एक रीडिज़ाइन है पुराने वाले सभी को मिलाकर, सैमसंग ने एक रीडिज़ाइन बंडल यहाँ पर बना दिया है। लेकिन आने वाला जो सैमसंग गैलेक्सी S11 है उसके लिए नया डिज़ाइन यहाँ पर बचा के रखा, तो उसका डिज़ाइन और इसका डिज़ाइन बिल्कुल यहाँ पर चेंज होंगे, अलग अलग होंगे, इनमें कोई फर्क नहीं होने वाला है। नेक्स्ट ब्रेड की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है जियो की तरफ से। जियो ने अनाउंस किया है यहाँ पर क्रिकेट सीजन डाटा प्लान। 2-3 दिन हो गए हैं वैसे तो इसको लॉन्च किए हुए, आपको पता भी होगा 251 का ये रिचार्ज अगर आप कराते हैं तो आपको हॉटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में क्रिकेट देखने को मिल सकता है, साथ ही 2 GB पर डे का आनंद ले सकते हैं 51 डेज के लिए। 51 दिन तक आप 251 का रिचार्ज आप आराम से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को पता था, काफ़ी को नहीं पता था, तो मैंने यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों काफ़ी कमाल की निकल के आ रही है। जैगवार लैंड रोवर और BMW तीनों ने हाथ मिला लिया और बना रहे हैं एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन जो कि बैटरी बेस्ड के ऊपर यहाँ पर चलने वाली है। अच्छी बात यह है कि ट्रेन जो है काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, तो यहाँ पर जो है सोलर पैनल यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो फ्यूचर में आने वाली जो ट्रेंस हैं वो काफ़ी सारे सोलर पैनल्स के साथ सेल्फ पावर पे ही चलने वाली हैं अगर ये तीनों बना पाते हैं तो। यहाँ पर जो है इनकी फैक्ट्री के अंदर या फिर कंपनी के अंदर फिलहाल जो है 1600 कर्मचारी काम कर रहे हैं सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के ऊपर कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेंस जो हैं किस प्रकार से बनाई जाएँ। जल्दी निकल के आ जाएंगे क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर मोटर वगैरह लगाएंगे और काफ़ी सारी बैटरी बैकअप लगाकर जो है इतना सारा पावर यहाँ पर गेन कर लिया जाएगा। क्योंकि ट्रेन्स तो ट्रेन्स होती हैं, काफ़ी सारा लोड लेके चलती हैं, तो वहाँ पर बैटरी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट डेट निकल के आ रही है दोस्तों मोटरोला E6 Plus की तरफ से। इसके अंदर जो है MediaTek का हीलियो P22 SoC CPU जो कि 2.2 GHz की स्पीड के ऊपर रन करने वाला, साथ ही इसके अंदर 2 GB की रैम और वहीं पर 16 GB की इंटरनल स्टोरेज और एक मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे आप। 64 GB तक का Android 9 Pie का इसके अंदर जो है एंड्रॉयड गो वाला OS और काफी कम प्राइस, लगभग 5-6 हज़ार रुपए इसकी प्राइस होगी। इतनी में जो है E6 Plus निकल के आ रहा है, तो देखते हैं। अभी Geekbench की वेबसाइट के ऊपर सपोर्ट हुआ है, यहां पर 1300 स्कोर जो इसको मिल चुके हैं, लोगों को ज्यादा यहां पसंद आ नहीं रहा है। वैसे भी मैं आपको एक बात यहां पर बताता हूं, आजकल जो है इतने मतलब हल्के हल्के फोन कौन यूज करता, कोई भी नहीं करता है, सबको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं दोस्तों निकल आ रही है गूगल मैप की तरफ से। लगातार गूगल मैप के ऊपर एक से एक अपडेट्स जो निकल के आ रही है। अभी जो है डिजिटल स्पीडोमीटर की अपडेट हाल ही में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी या फिर मिल जाएगी, तो ऑन स्क्रीन ये भी हो जाएगा। ऑन स्क्रीन आप डिजिटल स्पीडोमीटर के ऊपर देख सकते हैं कि आपकी कार जो है यहाँ पर कितनी तेज दौड़ रही है। अगर आप ट्रेन में है तो ट्रेन की भी स्पीड आप अचीव कर सकते हैं, AC के अंदर देख सकते हैं, पा सकते हैं जो भी है, तो काफ़ी कमाल हो जाता है। इसके साथ
नेक्स्ट ब्रेड की बात करें दोस्तों, हमें ले आ रही है टाटा स्काई की पार्टनरशिप को लेकर। अमेजोन इंडिया के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की है और काफी बढ़िया काम कर दिया है इसने दोस्तों। अब जो है आपको अमेजोन फायर टीवी स्टिक है वो टाटा स्काई एडिशन में मिलेगा। तो कुल मिलाकर टाटा स्काई के जो चैनल्स हैं वो आपको अमेजोन फायर टीवी स्टिक के ऊपर देखने को मिल जाया करेंगे। नेक्स्ट ब्रेड की बात करें दोस्तों, ले आ रही है Xiaomi की तरफ से इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर एक एक्सप्रेस डिलीवरी mi.com के ऊपर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे की डिलीवरी यहाँ पर रखने वाला, अगर आप इलाइजिबल हैं उस एरिया के अंदर नेक्स्ट डे डिलीवरी के लिए, तो ही आपको एक्सप्रेस डिलीवरी ऑप्शन यहाँ पर शो करने वाला है आपके पिन कोड के हिसाब से। अगर वहाँ पर ही एक्सप्रेस डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है तो आपको नहीं दिखाएगा। और गारंटी के साथ यहाँ पर काम करने वाला है mi इसके ऊपर, ये एक अच्छी बात है। मतलब 6-7 वर्किंग डेज के अंदर अमेजोन और फ्लिपकार्ट और अदर जो ई कार्ट कंपनी है वो यहाँ पर देती है, लेकिन ये तो सिर्फ नेक्स्ट डे के साथ ही यहाँ पर डिलीवरी कर रहा है। तो मुंबई बेस्ड एक कंपनी के साथ इसने पार्टनरशिप की है जिससे जो है नेक्स्ट डे यहाँ पर कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट डेट काफी बड़ी आ रही है दिल्ली की तरफ से। आसूस को जो है ब्लॉक कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोलकर जो जेन सीरीज और जेन फोन और वर्ल्ड जेन जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर लेके आएगा अभी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर चाहे तो वो फीचर फोन जो कीपैड वाले आते हैं वो यहाँ पर निकाल सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब लाइसेंस लिया था आसूस ने जेन फोन के लिए वो सिर्फ फीचर फोन्स के ही लाइसेंस के ऊपर, आज भी जो है स्मार्टफोन्स यहाँ पर निकाल रहा है। जेन फोन 6 की लॉन्चिंग से पहले जो है इसे बैन कर दिया, तो शायद जेन फोन 6 इंडिया में अब ना आए। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो जेन सीरीज के जितने भी फंडे हैं तुम्हारे वो यहाँ पर बंद कर दीजिए, अगर आपको निकालना है तो फीचर फोन निकालिए। वैसे अच्छी बात है, फीचर फोन के नाम पर यहाँ पर स्मार्टफोन चिपका रहा है धड़ाधड़। दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट्स, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। वीडियो कर दें लाइक और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। सवाल है कोई सुझाव तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।